हेलो फ्रेंड्स, जैसी प्यारा ट्यूटोरियल सीरीज ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग में हिंदी में आपका स्वागत है। ये हमारी ट्यूटोरियल सीरीज ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग, इफ एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। जेसी बी एरो के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट www.jcbarrowlabs.org और हमें मेल भी कर सकते हैं info@jcbarrowlabs.org। हम यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए स्पाइडर IDE का यूज कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको डिस्क्राइब कराया था कि हमारी मेन विंडो है, ये हमारा कंसोल है, जिसमें हम एक एक लाइन रन करा सकते हैं और हमारा प्रोग्राम का आउटपुट इस विंडो में शो होता है। ये हमारा वेरिएबल एक्सप्लोरर है, जिसमें कि हम वेरिएबल्स देखते हैं। जो भी हमारे वेरिएबल्स हम अपने प्रोग्राम में बनाते हैं, वो हमारे यहाँ पे रन शो होते हैं। यहाँ पे हम फाइल्स इनपुट करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे प्रोग्राम के अपलोड्स होंगे वो यहाँ पे शो होते हैं। हम अपने इस वीडियो में कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे, जो कि हमारे डिसीजन जो हमारे मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि इफ एल्स नेस्टेड इफ, इन सब में यूज होती हैं। डिसीजन मेकिंग में आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है, जस्ट बिकॉज जब हम कोई भी कोडिंग करते हैं, फिर कोई प्रोग्राम करते हैं, तो कभी कभी उसमें क्या होता है, हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ता है कि दो वेज होती हैं, जिनमें कि हमें या ये कंडीशन तो इधर जाना है, ये कंडीशन तो इधर जाना है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे इफ या यूज़ करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इफ एंड फर्स्ट है इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ। ओके, तो लेट्स हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, इसे एक वैल्यू असाइन करते हैं 10। ना हम इसे अब कंपेयर करेंगे कि जो एक्स के जो वैल्यू हमने असाइन करी है वो हमारी इवन है या ओड है। तो फिर इसलिए हम लगाएंगे इफ एक्स परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है, एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो कि हमारी दो वैल्यू को कंपेयर करता है कि वो इक्वल हैं या नहीं है। किसके बराबर है, 0 प्रिंट x is an even number। ओके, अब हम इस स्टेटमेंट से अलग मेन प्रोग्राम में एक प्रिंट डाल देते हैं, प्रिंट वेलकम टू। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, हमारी जो स्टेटमेंट थी, हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, जस्ट बिकॉज एक्स इज एन इवन नंबर। तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, एक्स इज एन इवन नंबर। एंड लास्ट हमारा जो मेन वर्ड है, क्योंकि रन हो गई, ये हमारे इफ स्टेटमेंट से बाहर है ये वाला प्रिंट कमांड, तो इसलिए भी रन हो वेलकम टू जेसी बी एरो। अगर हम यहाँ पे अपना x की वैल्यू चेंज करके कुछ ऑड नंबर लिख देते हैं, रन करते हैं, तो हमारी इफ स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स हो जाती है और ये वाली प्रिंट कमांड नहीं प्रिंट होती है। खाली क्या प्रिंट होता है, हमारा प्रिंट वेलकम टू जेसी बी एरो। इससे अगला है हमारा, ये है हमारा खाली इफ स्टेटमेंट्स यूज करने का तरीका। इसमें क्या है, अब हम दूसरा करते हैं एल्स इफ। क्या होता है, एक तरीके कंडीशन सेम रहेगी इफ, अब हमारे इसमें लगाते हैं एल्स। एल्स क्या करता है कि हमें जब हमारी वो वाली कंडीशन इफ वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाती है, तब हमारा एल्स में जो भी होगा वो प्रिंट होगा, एक्स इज नॉट एन इवन नंबर। ये हमारी रन होगी जब हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी। हम एल्स को कभी भी कोई कंडीशन नहीं देते हैं, रन करते हैं। इसके बाद ये देखिए, एक्स इज नॉट एन इवन नंबर, हमारा एल्स की जो प्रिंट कमांड है वो रन होगी।
अब जो होता है हमारा अपना एल सिफ हम कम यूज़ करते हैं, जो हमारी कंडीशन एक नहीं है, काफ़ी सारी कंडीशन हमें लगानी पड़ रही है, तब हम एल सिफ यूज़ करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। कि एक नेस्टेड इफ दूसरा होता है, उसमें क्या होता है, इफ के अंदर एक और इफ होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो एल्स इफ में क्या होता है, एल्स इफ एक्स परसेंटाइल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रिंट एक्स इज एन ऑड नंबर। ओके, नाउ रन दिस प्रोग्राम, एक्स इज एन ऑड नंबर। हम अपने एक्स की वैल्यू को चेंज भी करके देख सकते हैं, देखिए एक्स इज एन इवन नंबर है, वेलकम टू जेसी वी आर लेट्स। ओके, तो ये हमारा एल्स इफ। इस इसमें भी हम लास्ट में अगर हमें कोई कंडीशन दे रही है, हम एल्स यूज़ करते हैं, जिसमें भी कि हमें कोई जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती है, और वो सिर्फ प्रिंट करता है, प्रिंट एक्स इज एन इंटीजर नंबर। अब ये वाली प्रोग्रामिंग जो एल्स वाली जो प्रिंट कमांड है नहीं होगी, क्योंकि या तो नंबर इवन होगा या ओड होगा। ओके, इस टाइप से हमारे एल्स इफ का जो प्रोग्राम है, इसमें हम एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ इस टाइप से हम कितनी भी कंडीशन इसमें कर सकते हैं। अब नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ होता है, चलिए हम सारी लाइन्स को कमेंट कर देते हैं फर्स्ट। हमने एक इफ स्टार्ट करा, इफ एक्स सेंटर टू स्ट्रीट पर स्ट्रू जीरो, प्रिंट एक्स इज एन इवन नंबर। उसके बाद हमें यहाँ पे इस कंडीशन को प्रिंट होने के बाद हमें एक और ही कंडीशन लगानी है, तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं, इफ x is smaller than 10, okay, then print x is इफ को भी हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो फैवे एंड इसमें हम एल्स इफ लगा सकते हैं, एल्स सॉरी एल्स यूज़ करते हैं, प्रिंट एल्स इफ यूज़ करते हैं, एल्स इफ एक्स ग्रेटर देन 10 एक्स इज प्रिंट कमांड स्टार्ट होगी, अदरवाइज एल्स एक्स इज इक्वल टेन। एल्स प्रिंट एक्स इज ऑड नंबर। लास्ट में प्रिंट कमांड डालते हैं, ओके लेट्स रन द प्रोग्राम। फर्स्ट एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो 10 है, जो कि इवन नंबर है, तो पहले ये कंडीशन हमारी चली, इसकी एक्स परसेंटाइल इक्वल टू जीरो, ये ट्रू है, तो एक्स इज एन इवन नंबर। अब इसके बाद इसी इफ में एक और इफ है, जो कि हमारा कंपेयर कर रहा है कि एक्स
छोटा है 10 से या बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जस्ट बिकॉज एक्स इक्वल टू 10। ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो हमारा प्रिंट हुआ एक्स इज इक्वल टू 10। एंड देन लास्ट हेलो जूसी बैरो लैब्स, यहाँ पे हम अपने एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं, देन रन द प्रोग्राम। नाउ ये सारी चीज़ें आपकी जो कमेंट है, ये सारी ये फॉल्स होने के बाद हमारी सारी जो कंडीशंस हैं वो फॉल्स होगी और हमारा सारी एस प्रेजेंट कमांड स्टार्ट हुआ है, एक्स इज एन ऑड नंबर एंड दिस। सो दिस इज एन नेस्टेड इफ, कि हम एक इफ के अंदर कितने भी इफ यूज कर सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि हम खाली इफ यूज़ करके हम दोबारा इफ यूज़ नहीं कर सकते, इफ के अंदर हम काफ़ी तरीके से इफ यूज़ कर सकते हैं, कितनी भी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो हम अपनी वैल्यू चेंज कर करके हम देख सकते हैं, तो ये इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग इफ एज एंड नेस्टेड इफ से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, और उस वीडियो के लिए वेट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर वीडियो शेयर करिए और अपनी क्वेरीज और अपनी कुछ भी आपको प्रोग्रामिंग में या दिक्कत आती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे साइट पे जाके। थैंक यू।